वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और आज का टॉपिक जो है हमारा सोशल मीडिया के हवाले से, हम हमेशा डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं। कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में भी काम आता है तो कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में भी ये चीज़ें काम आती हैं। और ये क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन पर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, बच्चों के हवाले से भी और बड़ों के हवाले से भी। हमारे साथ मौजूद होंगे इरम तारिक जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं। उसके साथ साथ तंजीना इमरान हमें ज्वाइन करेंगे जो कि सोशल वर्कर हैं, वो भी कई बार हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो तंजीना, हम आपके जाने वाले सोशल मीडिया, हम हमेशा इनकरेज भी करते हैं और डिस्करेज भी करते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी। बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव तो मेरा ख्याल है सबको ही आइडिया होगा, मिला आपको आइडिया है कि लोग बहुत खुश होकर सोशल मीडिया यूज़ भी करते हैं और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बिजनेस के हवाले से भी, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के हवाले से भी, और बड़े बड़े जो मेन यूनिट्स हमारे मुल्क में, बड़े जो इदारे चल रहे हैं वो भी इससे बहुत फ़ायदा लेते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो जाती हैं, दूर बैठे आप बात कर लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस वक्त नेगेटिव की तरफ आना चाहूँगी। हमारे पास ना सोशल मीडिया पे, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस की तरफ भी आए, क्योंकि ये एक पूरा इदारा बन चुका है सोशल मीडिया जो है। इस पर आप एक र्यूमर अगर छोड़ देते हैं कोई, तो उसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि किस, मतलब कितनी बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को। जस्ट लाइक अभी हम ये देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब का ये डैम फंड की बात हुई। अब मैंने तो देखा कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे डोनेशन आई है उस हिसाब से तो हम इस तरह के 4 डैम बना चुके हैं। फिर तो इवन कि इन बच्चों ने, जो हमारे सोशल मीडिया के लॉबिस्ट हैं, मैं क्या कहूँ इनको, मतलब उनके लिए हो सकता है बात मजाक में हो, बिल गेट्स की तरफ से भी करोड़ों डॉलर्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वो प्यूटन भी डॉलर्स हमें दे चुके हैं, हमें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी दे चुके हैं। मतलब ये क्या है, अगर ये मजाक है तो ये काफी सीरियस हो जाता है। इस तरह की चीजों से आपके मुल्क का एक इमेज भी खराब होता है, और फिर जो लोग बाकी एक सिंसियरिटी से दे रहे होते हैं पैसे, वो कहते हैं कि अच्छा ये तो फिर आई थिंक फंड्स पूरे हो गए। मेरा ख्याल है हमें रुक जाना चाहिए। अगर करोड़ों डॉलर बिल गेट्स ने ही दे दिया है तो हमारे 50,000 या 1,00,000 की क्या हैसियत होगी। तो खुदारा जो सीरियस इश्यूज होते हैं, जो कौमी इश्यूज होते हैं, या जो कुछ इस तरह के मामला होते हैं जिसमें मतलब मजाक, मैं समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ समटाइम्स हम कोई ऐसी र्यूमर छोड़ देते हैं, खुदा ना खास्ता किसी की वफात की, अक्सर आपने देखा है कि लोग उसी को बगैर तहकीक के शेयर भी करना शुरू हो जाते हैं कि जी फलां फौत हो गया, इन्नलिल्लाह। मैंने देख रही थी एक इंडियन एक्ट्रेस की डेथ का पूरा सोशल मीडिया पे फैल गया, तो उनके जो एक फैमिली मेंबर है उसने ट्वीट किया कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज इसकी वेरिफिकेशन के बगैर इसका ना फैलाएं। तो ये तो कुरान में भी है, हदीस में भी है कि आप बगैर तहकीक के किसी भी खबर को आगे, हमारे बस कॉपी पेस्ट हर एक जल्दी के चक्कर में कि पहले ही मैंने ब्रेक किया है, यहाँ तक कि आपस में हाउसवाइफ्स में भी ये चीज मैं देख रही हूँ, ये बच्चों में जो स्कूल कॉलेजेस की उनमें भी है कि वो सबसे पहले खबर देने के चक्कर में कि मेरे लाइक्स ज्यादा होंगे, शेयरिंग ज्यादा हो जाएगी। तो भाई खुदारा बगैर तहकीक के कोई चीज ऐसे कोई ना करें। शादियां करा देते हैं, बैठे बैठे पता ही नहीं चलता किसकी शादी होगी, किससे होगी, और पता चले तो वो मुबारकबाद दे रहे हैं, सर पकड़ के बैठे होते हैं। तो ये जरा इस ये चीजें जो हैं पॉजिटिव चीजें, मेरा ख्याल सबको पता है, सबको पता है। लेकिन अच्छा तंजीला, इस पर दोबारा भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे सोशल साइबर बुलिंग को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपकी जानिब आएंगे, हम बच्चों के लिए बात करें तो स्पेसिफिकली चूंकि आपका ताल्लुक एक स्कूल सिस्टम से भी है, तो हम देखते हैं वहां पर कि बच्चों को जहाँ गैजेट से बहुत सारे फायदे भी हैं, आप उनको वो सारी चीजें जो पेरेंट्स खुद भी नहीं समझ पाते थे किसी दौर में, हम फोनिक्स की बात करें या डिफरेंट चीजें, साउंड्स, राइम्स, ये सारी चीजें हमें बच्चों को एक्सेस दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेस ज्यादा हो जाए तो फिर ये नुकसान में भी आ जाती है। ऐसा है कि ये जो एक्सेस है ये ज्यादा है, आ जाती नहीं है, आ गई है, और इससे खास तौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं उनका मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसका सोशल मीडिया का कोई बहुत ज्यादा, इससे उन्हें कोई काम है या स्टडीज में उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, बल्कि कुछ स्कूल सिस्टम्स हैं या कुछ टीचर्स अगर ये कोशिश भी करते हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से बच्चे को ऐसी असाइनमेंट दे दें कि गो एंड सर्च इट, तो मैं यहाँ पे इस फोरम से उन्हें कहूँगी कि ऐसा ना करें, क्योंकि वो बच्चे इतने मासूम और कच्चे जहन के होते हैं कि जब वो सर्च पे आएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ उनसे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगी, वो फिर वहाँ जाएगा जहाँ उसका इंटरेस्ट होगा। ये एज इतनी, दोबारा कहूँगी, इम्प्रेशनेबल होती है, जो उस वक्त उसने वो ले लिया उसका इम्प्रेशन, या वो फिर गलत रास्ते पे जाना। और मैं इस वक्त इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये इशू है। और ऐसा है कि जब मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम लोग टीचर्स होते हैं, बच्चे सारा दिन हमारे पास होते हैं,
افسوس مجھے یہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتے ہیں یہ چیز, اس چیز پہ ایکسیس میں نے یا میرے اسکول نے یا کوئی بھی اسکول یا ادارہ نہیں دے رہا, وہ گھر سے اسے مل رہا ہے. اسکول گوئنگ بچے کو اس کا انڈیویجول نمبر دینا, اس کو اس کا موبائل دینا, پھر اس کو کنیکشن کے ساتھ دینا, اور وہ کیا یوز کر رہا ہے, کوئی اس کی سپرویژن نہیں ہے. یاد ہے کہ ہمیں میٹرک کے بعد کالج بھی جب میں نے وین لگی تو مجھے تب جا کے فون ملا تھا, اور میں گھر پر یوز کرتی تھی فون, اگر میں نے کسی سے بات بھی کرنی ہے تو وہ میرے ابا کا فون ہوتا تھا, کہ وہ ہم ایز اے پی ٹی سیل اس کو استعمال کرتے تھے, کیونکہ وہ ادر وائز آج کل بچے دیکھیں اسکول میں 6-7 اسٹینڈرڈ کے بچے کے پاس سیل فون ہے جس میں سم کارڈ بھی ہے, جس میں اس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے. اسکول ٹائم کے بعد اس کے پاس فرینڈ کی کلاس فیلو کی کسی کی کال آ جاتی تھی پی ٹی سی ایل فون پہ, تو 6 سوال ہوتے تھے کہ ابھی تو تم اسکول میں ملے تھے تو ابھی کیا, اب ایگزیکٹلی اب بچوں نے گروپس بنائے ہیں واٹس ایپ پہ, وہ انسٹا پہ ہیں, وہ فیس بک پہ. میں نے تو پیرنٹس سے بلا کے پوچھا ہے بچہ آپ کا 7, 8, 9, or 10 کے بھی گریڈ پہ ہے تو اس کا کام کیا ہے فیس بک پہ, یہ کون سا پازیٹیو کام کر رہا ہے, یا اس کو ضرورت کیا ہے اس چیز کی. اس پہ اگر ہے واٹس ایپ پہ ہے چلیں گے, سمجھ آتا ہے مدر کا یا فادر کے واٹس ایپ سے آپ نے کچھ بھی انفارمیشن لینی ہے, ہوم ورک لینا ہے, کوئی ٹیسٹ کا پوچھنا ہے, کوئی امیج لینا ہے آپ نے, کوئی ڈائیگرام ہے, کچھ ہے, ڈائری ہے, ایون ایک سہولت ہے اسے پازیٹیولی. سپرویژن نہیں ہے بالکل. اور جب میں نے بلا کے پیرنٹس کو بتایا کہ آپ کے بچے اس طرح سے کر رہے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی گھر سے ہو رہی ہے تو انہیں نہیں پتا تھا, دے ور ٹوٹلی بلائنڈ. اچھا ایسا ہے, یہ بھی تو پوائنٹ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے نا. آپ کے پیرنٹس دیکھیں یا آپ اپنے دور کے بھی دیکھیں تو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں, کیونکہ بچے اتنے بزی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اتنے فرینڈلی نہیں ہے پیرنٹس بھی, سوشل میڈیا فرینڈلی نہیں ہے. انہیں وہ سہولت ہی نہ دیں اسے, انہیں اس سہولت کی اسکول لائف میں جب ہیں بچے انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یوں ان کا کنسنٹریشن نہیں رہتی کلاس میں, وہ اتنے اٹینٹیو نہیں ہوتے, ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے, اگلا پلان چل رہا ہوتا ہے جو وہ کریں. یعنی لیک آف کنسنٹریشن کی بڑی وجہ ایک یہ فیملیز جو ہے نا, فیملیز بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ آپس میں فیملیز کے پاس بیٹھنے کے لیے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ایک دوسرے کو ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کہ مجھے پانی کا گلاس پکڑا جاؤ. مطلب جہاں پہ یہ حالات آ جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اب واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ کرنا کیا ہے آگے. ہر کسی کے ہاتھ میں گیجٹ ہے اور سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کنیکٹڈ ہیں. مطلب فیس بک سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آج بہن کی برتھ ڈے ہے, یا انسٹاگرام سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ میں آج باہر جا رہا ہوں. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت خطرناک ہے. میں بارہا یہ چیز کہتی ہوں کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنے معاشرے کو اس طرح سے نہیں رکھ پائیں گے جس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے تھے تو یہ ہم بہت کچھ لوز کر جائیں گے, بہت کچھ کھو دیں گے. کم سے کم میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا اور ملا یہ بات کئی مرتبہ پروگرامز میں کہی کہ ایک وقت کا کھانا ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کے کھائے, چاہے وہ ناشتے کا ٹائم ہو, چاہے دوپہر کو ہو, چاہے وہ رات کا کھانا ہو, اور سب کے گیجٹس ایک سائڈ پہ رکھے. میں کہتی ہوں مدرس کو اسکینر پکڑ لینا چاہیے ہاتھ میں, پورا چیک کرنا چاہیے کہ اس ٹیبل پہ جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہاں سم ٹائمس تو یہ بچے اور اتنا پکا منہ بنا کے کہتے ہیں کہ اتنی ضروری بات ہے ماما دو منٹ بس دے دے, اور وہ دو منٹ پھر آدھا پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے باقی فیملی نے بھی اپنے اپنے کاموں میں نکل جانا ہے. تو آپ ایک پابندی کر دیں کہ ایک ٹائم ہم سب اکٹھے بیٹھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں گے, اور اس سے کوئی گیجٹ کسی کے پاس نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا سوشل میڈیا نے سوشل لائف کو ستیاناش کر دیا ہے, اور ایک بچوں میں ایک بات اور آ رہی ہے, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی, مینٹل گروتھ بھی نہیں ہے, وہ تھک جاتے ہیں مینٹلی اسی کو دیکھ کے. اور اب بچوں کی آپ فزیک دیکھیں کہ وہ کیسی ہے, ایک تو فوڈ ہے وہ جنک فوڈ, اور اوپر سے وہ یہ بیٹھ کے اور لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے شولڈر پین کا بہت زیادہ بچوں میں نوٹ کیا ہوگا, آئیز کا پرابلم آ رہا ہے, آئی سائٹ کا بہت ایشو آ رہا ہے, شولڈر پین. جس ایک ہاتھ سے وہ بچہ ٹیکسٹ کرنے کا عادی ہے اس کا وہ شولڈر آپ دیکھیں گے وہ سٹیف سا فیل کرے گا. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے صحت کے حوالے سے بھی اور مینٹلی دونوں طرح سے امپیکٹ آ رہا ہے. آپ ڈپریشن انزائٹی, ابھی تنزیلہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ابھی آپ کے, ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے یہ بھی آج کل کی جنریشن میں اتنا کامن ہو گیا. ایون ہم لوگ بھی اگر کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے یوزرز ہیں تو ہمیں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہیں, انزائٹی میں کر دیتی ہیں, اور اسکول ایج ینگ ایج کے بچے بچیاں اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. فار دا لانگر رن یہ کتنی ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں خدا نہ خواستہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی پوری باڈی کو, پوری آگے آنے والے آپ کی جنریشن جو ٹائم آپ کا ابھی رہتا ہے, اگر کسی کی 20 ایئرز ہیں لائف ابھی رہتی
तो आप यकीन करें कि आप उसको 10 साल कट डाउन कर देंगे अगर आप इसी तरह एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये आपके लिवर्स को ये आपकी किडनीज को बुरी तरह डैमेज करता है रिजल्ट में आपके बालों का झड़ना आई साइड वीक होना शोल्डर्स का यूं डाउन बेंड हो जाना ये सारी चीजें जो बाद में आप महसूस करेंगे और फिर वो वक्त जा चुका होगा हाथ से वो वक्त वक्त पे नहीं आएगा मैं मदर्स को भी कहती हूँ मैं फादर्स को भी कहती हूँ एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं बाप कहता है कि मैं तो घर होता नहीं है तो माँ का काम था माँ कहती कि मेरी तो सुनता नहीं आपको उसको शेर की नजर से देखना चाहिए तो बराए मेहरबानी इन चीजों में आप अपने बच्चे खो देंगे और इनकी एक जो एक खूबसूरत आगे एक ग्रोइंग उनकी एक जो एज है उसको अगर आप इस वक्त तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा यानी इससे यूथ का ग्लो खत्म हो गया है बच्चों के चेहरों से उनमें एक पक्कापन सा आ गया वो बड़े बड़े लगने लग गए उनके एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे कोई मेच्योरिटी वक्त से पहले आ गई वो जो एक यूथ का ग्लो हम देखा करते थे मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस में देखा अब से 20 इयर्स पहले या 22 इयर्स पहले आप लगा लें जो एक ग्लो होता था बच्चे स्कूल गोइंग बच्चों के चेहरों पे वो नहीं है अब मेच्योरिटी है वो मासूमियत नहीं है इसलिए वो अब उतने शायद प्यारे भी नहीं लगते मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि बहुत प्यारा या मासूम बच्चा या बच्ची कहीं कहीं नजर आता है और वो फौरन आप उसको पिकअप करते हैं कि हाँ ये बच्चा लगता है कि ये इसमें यूथ का वो ग्लो है लेकिन अगर आप उसे बात करके देखिए वो आपको इंस्टाग्राम की पूरी स्टोरी देगा नहीं वो है मैं इससे इख्तलाफ नहीं है ये आपकी टेक्नोलॉजी बच्चे को पता होना चाहिए हम इससे बिल्कुल इसको अलग नहीं कर सकते लेकिन मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ खास तौर पे मदर से आपकी सुपरविजन रहनी चाहिए वो बहुत जरूरी है इससे अलग नहीं आप एक और काम भी किया ना बच्चों ने हम जैसे लोगों ने क्या किया कि जनाब पेरेंट्स को भी उसी काम पे लत पे लगा दिया जो हम खुद करते हैं अब मैं अपने अब्बा की बात करूं नानी और दादी को देखा जो नानी और दादी थी खासी खवातीन और अब मेरे भाई ने क्या किया मेरे अब्बा को एक एंड्रॉइड फोन ला दिया पहले वो हमारे एंड्रॉइड फोन देख के ना चीखते चलाते रहते थे सारा दिन फोन पे लगे रहते हो अब हम बैठे होते हैं बासर हम वेले होते हैं ना तो वो देख रहे होते हैं कि वो लाइव खबरें भी देख रहे हैं वीडियोस भी देख रहे हैं और पूरा टाइम बैठ के हमें और अपने टाइम के सॉन्ग देख रहे होते हैं हम इतने परेशान मैं अक्सर किचन में से आती हूँ तो मैं कमरे में दरवाजा खोलते साथ ही मैं क्या देख रही थी पांच लोग अगर बैठे तो सबके हाथ में मोबाइल है तो मैं कह रही आप लोग आपस में टेक्सटिंग में गुफ्तगू कर रहे हैं तो नीचे रख के वैसे बात कर लें नहीं 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 सॉरी मामा नहीं नहीं सॉरी आपा नहीं नहीं सॉरी भाभी तो मुझे अफसोस होता है कि मैं इन लोगों को किस तरह समझाऊं कि ये वक्त है आप लोग इस वक्त बैठे हो कल को आप तरसोगे इस टाइम के लिए कि हम सारे कभी कटे आप अर्मिला यकीन करें थोड़े दिन पहले लाइट जब गई ना तो सब लोग ओ लाइट चली गई मैंने कहा एक वक्त था कि मैं दुआ करती थी कि लाइट चली जाए क्योंकि जब लाइट जाती थी सब लोग अपने कमरों से निकल के बाहर आ जाते थे और वहां सहन में लॉन में सब इकट्ठे होकर बैठ जाना अब वो एक घंटे का वो मतलब वो लाइट गई है या दो घंटे या वो जरा लंबा हो गया टाइम तो उतना टाइम पहेलियां गाने पुराने गप्पे लगा रहे हैं तो वो अच्छा लगता था तो मैं अब इनको कहती हूँ अपने हस्बैंड को बच्चों मैंने कहा मेरा तो दिल चाहता है कि लाइट चली जाए ये एसी बंद हो जाए ये टीवी बंद हो जाए आपकी चार्जिंग खत्म हो जाए तो सब लोग बाहर आ रहे हैं सांस लेने हवा लेने फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें ठीक हो गया थैंक यू वेरी मच तंजीला थैंक यू सो मच इरम बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब आज का मैसेज आपको हमारे दोनों मेहमानों ने दे दिया कि आप लोगों ने किस तरह से सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें खुद भी उन पर जरा कंट्रोल रखें ताकि उनको पता हो पॉजिटिव चीजें भी हैं तो नेगेटिव चीजें उससे ज्यादा है जनाब ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारा अगला टॉपिक भी कुछ इस तरह का है कि लोग क्या कहेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोग क्या कहेंगे और हमने लोगों की सुननी है या नहीं सुननी ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर